हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। टीना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ ड्राई रसगुल्ले शेयर कर रही हूँ। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। ड्राई रसगुल्ले बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 किलो काओ मिल्क लिया है, गाय का दूध। रसगुल्ले बनाने के लिए काओ का मिल्क ही परफेक्ट है। इसे मैंने अच्छे से बॉइल कर लिया है, बॉइल करके नीचे उतार लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ टाटरी, नींबू सब बोलते हैं, आप इसकी जगह विनेगर या फिर नींबू का रस वो भी ले सकते हैं। इससे थोड़ा पानी मिलाएंगे पहले। ये ध्यान रहे कि रसगुल्ले अगर आप बना रहे हैं तो गाय का दूध ही लें। थोड़ा थोड़ा करके हम दूध में डालेंगे ताकि ये अच्छे से फट जाए। एक साथ नहीं डालना है हमें। ये देखिए दूध फटना शुरू हो गया है। मैंने यहाँ आधा छोटी चम्मच नींबू सत लिया था। अब इसे हम छोड़ देते हैं ताकि दूध अच्छे से फट जाए, चलाना नहीं है हमें। ये देखिए दूध को मैंने यहाँ 30 से 40 सेकंड के लिए छोड़ दिया था। पानी अलग हो गया है और छेना बिल्कुल अलग, आप देख सकते हैं। अब एक छलनी लेंगे। छलनी में एक कोई भी कपड़ा ले लीजिए मुलायम, उसमें छान लेंगे और साफ पानी से वॉश करेंगे। छेना में हम डालेंगे साफ पानी धोने के लिए। 3 से 4 बार हम इसे साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। पानी को हम अच्छे से निचोड़ लेंगे। ये देखिए अच्छे से पानी निकल गया है, छेने को निचोड़ लिया है मैंने। अब हम इसे लटका देते हैं 20 मिनट के लिए, किसी जगह पर रख देते हैं ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी हो वो भी निकल जाए और ये छेना सेट हो जाए रसगुल्ले बनाने के लिए, परफेक्ट रसगुल्ले बनाने के लिए। गाय के दूध में बहुत ही अच्छी पकड़ होती है रसगुल्ले को स्पॉन्ज देने के लिए, भैंस के दूध में नहीं होती, वो ज़्यादा चिकना रहता है, उससे वो ज़्यादा बनते नहीं हैं, अच्छे नहीं बनते, उसके स्पॉन्ज नहीं बनते। अब हम इसे रख देते हैं 20 मिनट के लिए। छेना को कपड़े से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा हो गया है। छेना को हमें मसल लेना है, हथेली से मसलेंगे, आप देख सकते हैं पीछे से इस तरह से। दबाते हुए ताकि इसमें जो दाने दिख रहे हैं आपको ये दाने न रहें। आप इसे मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 चुटकी बेकिंग पाउडर, आप देख सकते हैं बिल्कुल 1 चुटकी डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं डाला है इसमें, बिल्कुल हमें हल्का सा डालना है, 1 चुटकी जितना बेकिंग पाउडर। आधी छोटी चम्मच डालेंगे सूजी रवा, आधा छोटी चम्मच डालना है। सबको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं, मसल लेते हैं। एक डो रेडी कर लेंगे इसका मसल मसल के, तरह से मसल लेंगे ताकि अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए।
प्रॉपर डो रेडी हो जाए। इसे हमें 5 मिनट लगे हैं अच्छे से मसल मसल के करने में डो को। अब हम थोड़ा लेके गोला बना के देख लेते हैं। इसे हम दबाते हुए बनाना है, अच्छे से दबा लेंगे मुट्ठी में। ये देखिए कितना चिकनापन आ गया है। इसे हथेली में भी इस तरह से दबा लेंगे। उसके बाद हम इसकी बोल रेडी करेंगे। ये देखिए इस तरह, इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए। और मैं यहाँ बिल्कुल स्मॉल बोल कर रही हूँ, हम स्मॉल रसगुल्ले बना रहे हैं और ड्राई रसगुल्ले, इसलिए इस तरह से हम सभी बोल्स को रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ 2 कटोरी चीनी ली है चाशनी बनाने के लिए। इलायची डाल दी है, इसमें मैं डाल रही हूँ 3 कटोरी पानी। चीनी को हम मेल्ट होने देते हैं, उबाल आने देंगे हल्का सा। इसमें मैं येलो कलर डाल रही हूँ, देखिए ये ऑप्शनल है। ये देखिए चीनी अच्छे से घुल गई है, पानी खोलने लगा है अच्छे से। अब हम इसमें रसगुल्ले डाल देंगे। गैस को हम रखेंगे मीडियम फ्लेम पर, ना ही लो रखना है और ना ही बिल्कुल हाई रखना है। इसे ढक देंगे। इसे हम 3 से 4 मिनट बाद दोबारा चेक करेंगे। 4 मिनट हो गए हैं, आइए चेक करते हैं कैसे दिख रहे हैं। ये देखिए काफी हद तक फूल गए हैं। इसे हम इस तरह से दबाना नहीं है हमको। चाशनी को चेक करते हैं, चाशनी अभी प्रॉपर है। इसे हम ढककर दोबारा से पकने के लिए रख देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए, फिर चेक करेंगे। अगर हमें चाशनी गाढ़ी लग रही है तो हम इसमें थोड़ा गर्म पानी ऐड करेंगे साइड से। अभी हम 2-3 मिनट के लिए ढक देते हैं। 3 मिनट और हो गए हैं, ये देखिए कितने अच्छे फूल गए हैं, कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। इसमें हम साइड से थोड़ा पानी डालेंगे ताकि इन्हें प्रॉपर डूबने के लिए पानी रहे, पानी ध्यान रहे गर्म डालना है। मैंने साइड में गर्म पानी करके रखा हुआ है किसी बर्तन में, उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी लेके मैं डाल रही हूँ। साइड से डालेंगे इस तरह से। एक बार में मैं यहाँ 1/2 कटोरी पानी डाल रही हूँ। मैंने इसमें 1/2 कटोरी पानी डाल दिया है। इसे फिर से हम ढककर उबाल लेते हैं। चलिए इसे चेक करते हैं। टोटल मुझे यहाँ 12 मिनट हो गए हैं। ये देखिए कितना अच्छे फूल गए हैं। ये चाशनी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी हो गई है। ये देखिए बहुत गाढ़ी हो गई है, हमारे रसगुल्ले बन गए हैं। टोटल 13 मिनट लग गए हैं इसमें, इसे बनने के लिए स्टार्टिंग से लेके टोटल 13 मिनट में आपके रसगुल्ले बन जाएंगे। गाढ़ी हो गई है चाशनी। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे ढक कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। आपको जो पानी डालना है उसका मेजरमेंट मैं बता देती हूँ। 1/2 छोटी कटोरी पानी बीच में डालना है आपको, 6-7 मिनट होने के बाद, आधा टाइम होने के बाद आप इसमें 1/2 कटोरी पानी डाल दें। अभी हम इसे रख देते हैं थोड़ा ठंडा होने के लिए। किसी बर्तन में निकाल के रख देती हूँ मैं, ये बहुत बड़ी है इसलिए। मैंने इन्हें एक बोल में निकाल लिया है, ठंडा होने के लिए रख देते हैं इसे ढककर, जब तक ये अच्छे से ठंडे नहीं हो जाते, चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी अंदर तक। इसे 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे हम। हमारे रसगुल्ले बिल्कुल ठंडे हो गए हैं और चाशनी भी अंदर तक चली गई है। 3 घंटे हो गए थे मुझे यहाँ रखे हुए। देखिए इसे छलनी में से भी छान सकते हैं आप,
इसे हम रस्से से बिल्कुल बाहर निकाल देंगे और प्लेट में रख लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं, बिल्कुल ड्राई ड्राई। सभी रसगुल्लों को मैंने प्लेट में रख लिया है। इस पे डालेंगे हम थोड़े से चॉप पिस्ता, देख सकते हैं आप कितने अच्छे रसगुल्ले हमारे बने हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू मोर रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।